ये देखिए भाइयों, आज हम आपको बैलगाड़ी के बारे में बताने वाले हैं, जो पुराने ज़माने में आवागमन का साधन था, और उसके प्रत्येक हिस्से के बारे में आपको डिटेल से बताएंगे। शुरू करते हैं हम आगे से। ये देखिए, इसको बोलते हैं जूड़ा, जो दोनों बैलों के कंधों पर रखा जाता है। ये बोलते हैं आगे डौंस, जिसको जमीन में टिकाते हैं सपोर्ट के लिए। और जो जूड़े से गाड़ी के बीच में जो जा रहा है, उसको बोलते हैं ओदण। ये गाड़ी के आगे के सिरे से लेके पीछे के सिरे तक होता है। और ये जो साइड में लगी हुई है सपोर्ट के लिए, इनको बोलते हैं ढही। और यह है चक्का, ये चक्का है जो भारत के राष्ट्रीय चिन्ह की तरह है, लेकिन इसमें 24 डंडियां नहीं है। और ये बोलते हैं कीला, जो धुरी में लगा रहता है। और ये जो आपको लोहे का दिख रहा है, इसको बोलते हैं आमण, आमण बोलते हैं बेटा। और ये देखिए भाइयों, इन्होंने एक के साथ में दूसरी भी ज्वाइंट कर रखी है, क्योंकि आजकल चारे की समस्या होने की वजह से ये एक के साथ में खींच के ले जा रहे हैं। ये देखिए, इनको बोलते हैं चकील, जो बैलों को कंधे से इधर उधर खिसकने के लिए रोकती है। ये देखिए भाई, ये है पूरी बैल। धन्यवाद।